गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की तरफ से जो आपको गतिविधि पत्रक नंबर 4 दे रखी है वो लाए हैं, जिसमें हम पठन अभियान को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपका जिसकी डेट है 20 जनवरी 2022। ये आपकी क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लास के स्टूडेंट इस वर्कशीट को करेंगे। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो हम कहानी जो हमने पहली कार्य पत्रक में पढ़ा था, कहानी प्यासा कौवा ही कंटिन्यू करेंगे, जिसका ये भाग 2 है। उससे एक तरकीब सूझी थी। फिर हमने अब तक की कहानी में क्या पढ़ा कि एक प्यासा कौवा होता है, बहुत प्यास लग रही होती है उसे, तो हर तरफ देखता है, उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता है। फिर उसे एक घड़ा दिखता है, पर घड़े में बहुत कम पानी होता है। तो फिर उसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। उसे एक तरकीब सोचती है, उसने एक कंकड़ उठाकर घड़े में डाला। इसी तरह उसने कुछ और कंकड़ भी घड़े में डाले। घड़े का पानी जो है वो ऊपर आ गया, कौए ने पानी पिया और वह उड़ गया। अब कहानी के आधार पर आपको बताना है आप कौए से किस बात से सबसे अधिक प्रभावित हुए और क्यों। तो कौए ने समझदारी दिखाते हुए आसपास गिरे हुए कंकड़ उठाए और मटके में डाल दिए, जिससे कि मटके में पानी ऊपर आ गया और कौए की इस समझदारी वाली बात से हम सबसे अधिक प्रभावित किया। दूसरा प्रश्न है, कौआ क्या कौआ पानी पी पाया। तो हाँ, कौआ पानी पी पाया। तीसरा प्रश्न है, क्या कौआ कोई और भी तरकीब लगा सकता था। 2 या 3 वाक्य बताइए। तो कौआ उड़कर आसपास के कुएं या तालाब में भी पानी पी सकता था। इसके अलावा कौआ ये तरकीब भी लगा सकता था, कौआ थोड़ा जोर लगाकर मटके को टेढ़ा कर देता, जिससे कि पानी पीना उसके लिए आसान हो जाता। चौथा प्रश्न है, इस कहानी को अपने शब्दों में बताइए। तो आपको पूरी अब तक जितनी भी कहानी है बतानी है। तो एक बार एक कौआ था, उसे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन उसे कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसे एक मटका दिखाई दिया, लेकिन उस मटके में पानी बहुत कम था। तो कौए ने अपने आसपास गिरे हुए कंकड़ को उठाया, उन्हें मटके में डाल दिया, जिससे कि मटके का पानी का स्तर ऊपर आ गया और कौआ आसानी से पानी पी पाया। तो यही तक हमें कहानी दे रखी थी। तो आई होप ये आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, और किस किस ने अपने आई होप सभी बच्चों ने अपने बचपन में ये कहानी तो ज़रूर सुनी होगी। तो अपना नाम ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।